प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की कहानियां एपिसोड 20 में आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर के फिर से। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आपको सही सलामत रखा है, प्रभु ने हमको सही सलामत रखा है। आज फिर से एक बार हम तैयार है यीशु की एक शानदार कहानी लेकर के कि आपको आशीष दे सके। क्या आप तैयार है आशीष पाना और आशीष देने के लिए? यदि आप तैयार है आशीष पाने के लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना मांगता हूँ कि तैयार हो जाइएगा। यदि आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, यदि किसी काम में हैं, थोड़ा समय आज खुदा और यीशु मसीह की बातों के ओर ध्यान देंगे। और आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ, जब आपने कहा कि आप तैयार हैं तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इस लिंक को ज़रूर से अपने किसी अजीज, अपने किसी सगे संबंधी को ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि वे लोग भी आशीष पाएं। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि जहाँ यीशु की बातें होती है, जहाँ यीशु के विषय में बोलचाल होती है, वहाँ यीशु आकर के उपस्थित होता है? आज मेरी दुआ यह है कि आपके घर में यीशु की बातें हो, यीशु आज वहाँ पर हो। आमीन। क्या तैयार है फिर से एक बार उसकी इबादत करने के लिए? हम कुछ गाने गाएंगे, यीशु की महिमा करेंगे और फिर हम कहानी में जाएंगे। आपके बीच एक वचन रखना चाहती हूँ जो लिखा है भजन संहिता उसके 62 के 8 में, कुछ इस तरीके से लिखा है, हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, ये परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगी, हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो स्थान जो हमें हर पाप से बचाता है, वो स्थान जो हमें बुरी चीजों से बचाता है, उस पर भरोसा रखो। और वो स्थान कोई और नहीं परंतु हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं। पता है वो हमारे शरण तब बनेगा जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। मैंने जैसे मेरे हस्बैंड है, इन्होंने मुझसे शादी तब की जब मैंने इन पर भरोसा रखा, जब इन्होंने मुझ पर भरोसा रखा। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे लिए एक शरण स्थान बनता है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाकर उसकी वर्शिप करेंगे और कहेंगे कि हाँ यीशु तू मेरा भरोसा है। दुनिया में भले कोई हो या ना हो, पर खुदावन तू मेरा भरोसा है। तू वो है जिस पर मैं टिकी हूँ, तू वो है जिसमें मैं शरण पाती हूँ। आमीन। यीशु तेरा नाम है
जीवन नया है दे दिया, नरक भी दे नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे, हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। दावंद आपका धन्यवाद करते हैं, सच में यहोवा पिता हम तुझ पर भरोसा रखते हैं मेरे यहोवा, हमारा भरोसा तू है मेरे खुदा, हमारा भरोसा तुझ पर है यहोवा। खुदावंद यीशु हम तेरे सामने आते हैं और चाहते हैं कि अपनी अगुवाई में हमें चला, अपनी आत्मा से हमें भर। खुदावंद जब खादिम लोगों से बातें करेगा यहोवा तू हो मेरे खुदावंद, उनके शब्दों में तू हो यीशु, तू उनके जरिए बातें कर। सारा आदर में हम आपको देते, पवित्र आत्मा आगे की सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते, आने वाला एक एक शब्द पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई आपकी सामर्थ और आपकी अग्नि में होकर हो, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार आप लोगों के साथ जुड़ करके मुझे अच्छा लगा है, आज फिर से एक बार मैं खुदावंद यीशु मसीह की एक कहानी आपके बीच में रखना मांगता हूँ, जिससे आपको आशीष मिले, मुझे आशीष मिले, हम पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सीखने पाए। एक समय की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते वे लोगों की बहुतायत बढ़ोतरी देखने लगे कि बहुत से लोग हजारों की तादाद में लोग यीशु के पीछे चलने लगे हैं। जब ये लोग यीशु के पीछे चलने लगे तो यीशु इन्हें उपदेश देने लगा, यीशु इन्हें सिखाने लगा, और ऐसा हुआ कि यीशु को इन पर तरस आया और खुदावन यीशु मसीह ने इन लोगों को खाना खिलाया। जी हाँ, मैं आपके बीच में आज उन 5,000 पुरुषों और उनके परिवार को जब यीशु ने खाना खिलाया वो किस्सा आपके बीच में रखना मांगता हूँ, जो आपको मिल जाएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 और उसके 33 से। जी, भूतों ने उन्हें आते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। हालेलुया। ये बात यहाँ पर ऐसी है कि प्रभु यीशु मसीह
तिब्रियास और बेटा ये बात उस समय की है जब खुदावन यीशु मसीह तिब्रियास की झील पार करके आ रहे थे, तो बहुतों ने उनको जाते देखा और जब लोगों ने देखा तो लोग दौड़ने लगे और उस स्थान पर प्रभु के और प्रभु के चेलों के पहले जाकर के पहुंच गए। और कुछ ऐसा हुआ, ये जो जगह थी ये बैतसैदा कहलाया जाती थी, बैतसैदा मछुआरों का घर, जहां पर मच्छी पकड़ने वाले ढेरों थे, बैत यानी घर, सदा, और यहाँ पर नदी थी, यहाँ पर झील थी, ये लोग झील से, नदी से, तालाब से बहुत सी मछलियां पकड़ते थे। और उस समय ऐसा हुआ कि जब ये लोग वहां पर जाकर के इकट्ठा हो गए तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जी आगे पढ़िए 34वें वचन में क्या लिखा है। उसने उत्तर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। फिर से एक बार आपको बताना मांगता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह जब आपको और जब मुझे देखता है तो यीशु तरस खाता है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब इन लोगों को देखा कि ये लोग दौड़े दौड़े यीशु मसीह के पहले वहां पर पहुंचे हैं, जब ये लोग यीशु को जाते देख रहे थे तो इन लोगों ने वहां पर दौड़े और पहले पहुंचे, जब यीशु ने इन्हें देखा तो यीशु ने तरस खाया। जब यीशु ने तरस खाया तो क्या हुआ, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया। एक छोटा सा पॉज लेना मांगता हूं यहाँ पर। और ये यीशु मसीह ने जब इन्हें देखा तो प्रभु ने ये देखा कि ये भीड़ बिल्कुल भेड़ों की मानिन है, पर बिल्कुल वैसे जिसका कोई भेड़, जिनका कोई चरवाहा नहीं, ये भेड़ वैसी है जिनका कोई मालिक नहीं है, जिनको कोई चराने वाला नहीं है। जब यीशु मसीह ने ऐसे को देखा तो प्रभु इन्हें सिखाने लगा, प्रभु इनसे बातें करने लगे। यीशु की बात कर रहा हूँ मैं, तो यीशु ने जब इनको देखा तो इनको तरस खाया। यदि आज आपका कोई चराने वाला नहीं है तो मेरे लिए मैं आपको बताना मांगती हूँ, एक ऐसा है जो तरस खाना जानता है और वह है यीशु मसीह। आपको मैं इन्विटेशन देना मांगता हूँ कि आइए उस यीशु की शरण में, वो यीशु आपको और मुझे चराना जानता है, वो यीशु आपको और मुझे सिखाना समझाना जानता है। यीशु के पास आपके और मेरे लिए बहुत सी बातें हैं। यीशु आपको और मुझे सिर्फ देख करके हट नहीं जाता, पर वो देखता है और तरस खाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु ने उन लोगों को जिनका कोई चरवाहा नहीं था उन्हें सिखाने लगा। मेरी दुआ आज की शाम ये है, यदि आपका कोई चरवाहा नहीं तो यीशु आज आपका चरवाहा बन जाए। आमीन। और आप यीशु की भेड़े हो जाओ। जब यीशु इन्हें सिखाने लगा, बहुत सी बातें सिखाने लगा, तो 35वें वचन में लिखा है, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। यह सुनसान जगह है और दिन ढल गया है, मतलब ये लोग सुबह से शाम तक बैठे थे, यीशु की बातें सुन रहे थे, यीशु के प्रचार सुन रहे थे, यीशु सिखा रहा था, ये सुन रहे थे, यीशु प्रचार कर रहा था और ये सुन रहे थे। अब दिन ढलने लगा था, अब सांझ होने लगी थी। और यहाँ पर मुझे उस जगह के बारे में जब मेंशन करते, चेले मेंशन करते कि जगह बहुत सुनसान है, मुझे अच्छा लगता है कि सुनसान जगह पर यीशु आकर के बैठा हुआ है, सुनसान जगह पर वे लोग यीशु को सुन पा रहे हैं, सुनसान जगह पर कोई लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, यदि आज आपकी जिंदगी सुनसान सी है, यदि आज आपकी स्थिति सुनसान पड़ी है, मेरे प्रियो खुदावन यीशु मसीह आपके पास आने पर है। आमीन। और जब यीशु आता है और जब देखता है कि कोई चरवाहा नहीं, तो यीशु चरवाहा बन जाता है। हालेलुया। तो जब यीशु के चेले यीशु के पास आकर के कहने लगे कि प्रभु इन्हें जाने दे कि दिन ढल गया है, जगह सुनसान है, तब देखिए आगे क्या कहा, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। चेले क्या कह रहे थे कि ये जाए और चारों ओर आसपास के गांवों में जाए और अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद ले। और 37वें वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम ही इन्हें खाने को दो। अब जब ये चेले यीशु के पास इन लोगों की फरियाद कर रहे हैं कि प्रभु दिन ढल गया है, जगह सुनसान पड़ी है और ये लोग सुबह से शाम तक बैठे हुए, अब इन्हें विदा कर जाने दे कि ये आसपास के गांव में जाए, अपने लिए कुछ खाना वगैरह खरीदे और खाए,
पर यीशु क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास है तो तुम्हें इन्हें कुछ खिला दो। तो आगे आगे मैं पढ़ने जाऊंगा, यदि तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हें इन्हें दे दो। तो चेलों ने क्या कहा, उन्होंने उससे कहा क्या हम 100 दीनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाए। ये यीशु से प्रश्न कर रहे हैं, या कह लो कि ये उल्टी बात कह रहे हैं यीशु से, क्योंकि हम 100 दीनार की रोटियां खरीद के इनको खिलाए, 200 रुपए की रोटियां खरीद के इनको खिलाए, ये तादाद में बहुत ज्यादा है। तब देखिए क्या हुआ, उसने उनसे कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा 5 और 2 मछली। हालेलुया। अगर आप मत्ती की पुस्तक मत्ती 14वें अध्याय में यदि पढ़ोगे तो वहां पर भी जिक्र है, यदि यूहन्ना 6वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर भी इस चीज का जिक्र, इस कहानी का जिक्र है। यहाँ पर बात कहते हैं यीशु मसीह कि तुम जाओ देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। मुझे प्रभु यीशु मसीह की बात बड़ी भाती है। यीशु मसीह को मालूम था कि ये लोग सिर्फ पुरुष 5000 है, इनकी बीवियां है, इनके बच्चे है, इनके कहीं कहीं तो अपने माँ बाप को साथ में लेकर के, कहीं तो अपने दोस्तों के साथ लेकर के आए हैं। चेले कह रहे कि हमारे पास 100 दिनार 200 दिनार है, क्या हम 200 दिनार की रोटियां इनको खिला सकते हैं। पर यीशु मसीह क्या कहने लगे कि तुम जाओ पता करो कि तुम्हारे पास कितना है। तो ये चेले गए, चेलों ने जाट पत्ता करी, तो चेलों के पास एक बच्चा आया, छोटा बच्चा आया जिसके पास जौ की 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी। जौ की 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी। जब इन्होंने उस बच्चे से लिया टिफिन, तो फिलिप्पियुस नाम का चेला ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया उस टिफिन को लेकर के। जी तो जब वो थोड़ा सा, अब मुझे बताइए यदि मैं एक छोटा प्रश्न आपसे पूछूं कि क्या 5 रोटी और 2 मछली से आप 5 लोग कोई खा सकता है पेट भर करके, तो मेरा उत्तर होगा नहीं, 5 लोग नहीं खा सकते, 2 लोग खा सकते हैं, 1 लोग खा सकता है, 3 लोग थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं, पर 5 लोगों को पर्याप्त हो नहीं, 10 लोगों को पर्याप्त हो अब तो बिल्कुल मुश्किल है, 20 लोग अगर हो जाए तो एक 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 बाइट अगर खाए तो शायद 20 लोग खा ले, अगर 50 लोग खाए तो, 100 लोग खाए तो, 200 लोग बोल लो, 500 लोग नामुमकिन लगता है ना। जैसे जैसे आंकड़े लोगों के बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे खाने वालों की लिस्ट बढ़ रही है, ये बहुत छोटा लग रहा है ना अमाउंट, रोटी और मछली ऐसा लग रहा है कि बहुत कम क्वांटिटी है ना। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह इस कम क्वांटिटी को बहुतायत में बदलना जानता है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह के पास थोड़ी सी चीज लाई गई तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, यीशु मसीह ने चमत्कार करा। कैसे चमत्कार करा, आज आपके बीच में ये किस्सा दोहराऊंगा नहीं क्योंकि आपको ये किस्सा मालूम है, पर मैं आपको बताना हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने उस थोड़े को लेकर के चमत्कार करा। और मैं बताना हूँ कि ये चमत्कार आप और मैं भी कर सकते हैं। पता है कैसे, हमें क्या करना है, हमें केवल यीशु मसीह को फॉलो करना है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने क्या करा जिससे चमत्कार हुआ। तो जब इन्हें मालूम पड़ा कि इनके पास 5 रोटी और 2 मछलियां है, तब उसने उन्हें आज्ञा दी, यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बिठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पाती पाती बैठ गए और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार करा तो चिन्ह चमत्कार करने के पहले प्रभु ने क्या करा, ये आज्ञा दी कि सबको डिसिप्लिन से बिठा दो, जुट करके बिठाओ, 50-50 का 100-100 का झुंड करके बिठाओ, इनको एक लाइन में बिठाओ, इनको व्यवस्थित करके बिठाओ ताकि गिनने में आसानी हो, आमीन, ताकि बटोर बांटने में आसानी हो। तो इन लोगों को बिठाया चेलों ने, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास रोटी आती तो यीशु मसीह ने क्या करा, और रोटियों को स्वर्ग की ओर करा, उस मछलियों को स्वर्ग की ओर करा, और प्रभु ने धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ी, प्रभु ने धन्यवाद दिया और मछली तोड़ी, प्रभु ने धन्यवाद दिया रोटी तोड़ी, प्रभु ने धन्यवाद दिया मछली तोड़ी, और वो रोटी तोड़ता गया, मछली तोड़ता गया, वो रोटी तोड़ता गया, मछली तोड़ता गया, और हुआ यूं उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया, सभी की ओर देखकर धन्यवाद किया, रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, वो धन्यवाद देता रहा और चेलों को देता रहा, वो धन्यवाद देकर के तोड़ता रहा और चेलों को देता रहा, वो धन्यवाद दे प्रभु का धन्यवाद दे रहा है रोटी तोड़ रहा है और चेलों को दे रहा है, वो धन्यवाद दे रहा है मछली तोड़ रहा है और चेलों को दे रहा है। मेरे प्रियो,
कई बार हमसे चमत्कार इसीलिए नहीं होते कि हम चीज़ों को लेते हैं इस्तेमाल करते हैं, हम चीज़ों को लेकर के खुदा के सामने नहीं रखते, हम चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं करते, हम उस चीज़ को लेकर के कुड़कुड़ाने लगते हैं। यीशु मसीह के पास तो बहुत कम थी, खाने वाले लोगों की तादाद हजारों में थी, 5,000 के करीब थी, पर जब यीशु मसीह ने उस थोड़ी सी क्वांटिटी की चीज़ें अपने पास आई तो यीशु मसीह कुड़कुड़ाने नहीं लगा, रोने नहीं लगा, डरने नहीं लगा, घबराने नहीं लगा, उसने स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद करता गया और तोड़ता गया और चेलों को देता गया। जब वो चेलों को दे रहा था तो वायु वो रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी, सब खाकर तृप्त हो गए। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है सब खाकर तृप्त हो गए। और हुआ यूं, उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी, जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। जब यीशु मसीह ने थोड़ी इस चीज को स्वर्ग की ओर उठाया, धन्यवाद दिया, तोड़ता गया और देता गया, तोड़ता गया और देता गया, अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा पर देता जा रहा, खुद यीशु मसीह भी तो भूखा था, खुद यीशु तो प्रचार कर रहा था, यीशु का तो गला सूख रहा होगा, यीशु तो ट्रैवल करके आया था, यीशु शायद थक गया होगा, पर यीशु की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यीशु दुआ कर रहा है, वो धन्यवाद दे रहा है और वो तोड़ रहा है और वो बटोर रहा है, तोड़ रहा है और बांट रहा है, माफ करिएगा, तोड़ रहा है और बांट रहा है ताकि चेले वो परोसे। चेले भी कब से मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, पर चेले भी यहाँ पर बांट रहे। चमत्कार ऐसे हुआ कि यीशु मसीह अपने आप को स्ट्रगल में डाल करके औरों का पेट भर रहा था, हालेलुया, और चमत्कार हो रहे थे। और चमत्कार कुछ इस प्रकार से हुआ कि सबों ने खाया, उन हजारों ने खाया। अभी मैंने आपसे कहा कि क्या 5 व्यक्ति पेट भर ये 5 रोटी और 2 मछली खा सकते हैं? तो आप और मैं कहेंगे नहीं, पेट भर करके नहीं खा सकते। पर बाइबल बताती है कि 5,000 पुरुषों ने और उनकी पत्नी, उनके बच्चों ने, उनके घर वालों ने, जो हजारों की तादाद में थे, केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से उन्होंने अपने पेट को भरा है और वे तृप्त हुए हैं। जी हाँ, वे तृप्त हुए हैं। और केवल इतना नहीं, उन्होंने खाया और कुछ बच गया, तो जब उन्होंने इकट्ठा करा तो वे 12 टोकरियां थी, हालेलुया, जिसे बच गई। पता है कैसे हुआ ये? ये आसमान के खुदा यहोवा की ओर से हुआ। कब? जब यीशु ने धन्यवाद दिया था। ये किस्सा, ये कहानी आपके बीच में रखना मांगता हूँ कि आप अपनी कमतरता को यदि आप प्रभु के सामने रखते हैं, यदि कुड़कुड़ाते नहीं पर यदि धन्यवाद देते हैं, तो वो बहुतायत का काम करती है, वो मल्टीप्लिकेशन का काम करती है और वे बरकत का काम करती है। हालेलुया, आप चाहते बरकत में जीना? मैं भी चाहता हूँ बरकत में जीना। आपको और मुझे बस इतना करना है कि जो थोड़ा है उसमें कुड़कुड़ाना नहीं है, रोना नहीं है कि इसमें कैसे चलेगा, इस थोड़े समय में मेरा घर कैसे चलाऊंगा, इस थोड़े समय में खुदा के खादिम को कैसे सपोर्ट कर पाऊंगा। पर मेरे प्रियो, जो भी खुदा ने दिया है, आओ खुदा के सामने रखो और खुदा को कहो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जब बारी आई तो उसे बांट दो, जब बारी आई तो लोगों को दे दो। यीशु मसीह ने लोगों को दिया, चेलों को दिया, ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग खाए। चेलों को इसलिए नहीं दिया कि चेले जा करके खाए, पर चेलों को इसलिए दिया कि लोगों तक पहुंचे और लोग खाए। वो चाहता तो पहले खुद खा लेता था ना कि मैं प्रभु, मैं तो तुमसे प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो मेन वक्ता हूँ, ये शायद मेरे लिए आया हो। पर यीशु की बात अच्छी है कि यीशु बांटना जानता है, जो बांटना जानता है उसके हाथों में बरकत होती है, जो कुड़कुड़ाता नहीं, जो प्रभु के सामने रखता है और धन्यवाद देता है, उसके हाथों में बरकत होती है और वो उससे डबल होता है। बात सिर्फ यीशु की नहीं कहना मांग रहा मैं, पर बात में बरकत और तरक्की की कहना मांगता हूँ, जो आप भी कर सकते हो। केवल इतना करना है, उन कमतरता की चीज़ों को, थोड़ी चीज़ों को जो आपको लगती है कि बहुत थोड़ा है, आओ प्रभु के सामने रखो, प्रभु को धन्यवाद करो उस चीज़ के लिए कि प्रभु तूने मुझे इतना तो दिया है, और हो सके तो बांटो, उसे तोड़ो, हो सके तो उसे 1-2 हिस्से करो, एक अपने लिए रखो, एक किसी और को दे दो। जब आप किसी और को दोगे तो मैं आपको बताना मांगती हूँ, वे तो तृप्त होगा, उसका तो पेट भरेगा और वो आपके कामों को देखने पाएगा। जब यीशु ने उन लोगों को बांटा तो वे लोग तृप्त हुए, बाइबल बताती है, और उन लोगों ने ये चमत्कार देखने, वो अपने आंखों से चले, अपनी आंखों से वे इन चमत्कार को देखने पाए। वे केवल यीशु मसीह का प्रचार सुनने आए थे, यीशु मसीह को देखने आए थे, दौड़े दौड़े आए थे, पर ये यीशु को चमत्कार करते हुए देखने पाए। पता है क्यों? क्योंकि ये यीशु के पास आए थे। आज आपको इन्वाइट करना मांगता हूँ, आप चमत्कार देखना मांगते हैं,
चिन्ह दिखना मांगते हैं। आपको कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी मन्नतें मानने की जरूरत नहीं है। केवल विश्वास रखिए, यीशु के पास आइए, क्योंकि यीशु अपने लोगों से बातें करता है, यीशु अपने लोगों को सिखाता है, यीशु देखता है कि इनका कोई चरवाहा नहीं, तो उन्हें छोड़ नहीं देता पर उनका चरवाहा खुद बन जाता है। जब हमने देखा कि यीशु ने इन लोगों को जो यीशु को देखने आए थे, सुनने आए थे, यीशु मसीह ने उनकी इच्छा को पूरा करा, यीशु इनसे बातें करने लगा, इन यीशु को सिखाने लगा, बात बताती है कि दिन ढलने लगा। हाँ, मेरा यीशु समय को देखता नहीं है पर वो आपको देखता है, मेरा यीशु पर्याप्त नहीं है पर वो अनलिमिटेड है आपके और मेरे लिए, और यीशु आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि यीशु आपको बुलाता है, आप यीशु के पास आइएगा। जब आप यीशु के पास आएंगे, 5,000 मैं कहता हूँ 50,000 लोग भी खाएंगे और यीशु आपका इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा 50,000 लोग खाएंगे। मेरे प्रियो, आपको जरूरत है कि आप यीशु के पास आए। आमीन। यदि आप अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी देखना मांगते हो, तरक्की देखना मांगते हो, आइए मैं आपकी दुआ करना मांगता हूँ। आमीन। मेरे परमेश्वर, ये मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अंकल आंटी, प्रभु ये जो दीदी देख रहे हैं, ये जो भैया देख रहे हैं, खुदावन मैं तेरी बरकत बोलता हूँ, तेरी सामर्थ बोलता हूँ। वो सामर्थ जब प्रभु यीशु आपने मछली और रोटी तोड़ी और लोगों ने देखी है प्रभु, कि स्वर्ग से कैसे प्रभु प्रोवाइड कराया गया, जब कैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ यीशु के हाथों में, मेरे पिता वो सामर्थ मेरे भाई बहनों तक पहुँचे प्रभु, वो सामर्थ वे देखने पर जो आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु इनका इस्तेमाल कर, इनका चरवाहा बन, खुदावन इनको सिखा और प्रभु अपने लिए काम में ला। खुदावन होने दे कि ये तेरा काम करे, ये चेले कहलाए, खुदावन ये तेरे लोग कहलाए, जैसे प्रार्थना करता हूँ। यदि प्रभु सुनने वालों में से कोई परेशानी में है, प्रॉब्लम है, बीमारी में है, अरे यीशु अपना हाथ बड़ा छू चंगा कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन।